झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के पास से कैश बरामद। एमएलए के तहत झारखंड में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। करोड़ों के कैश मिलने के बाद हमलावर हुई बीजेपी। मंत्री आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेने की मांग। प्रतुल शाहदेव ने कहा एक्सपोज हुई कांग्रेस। झारखंड से करोड़ों कैश मिलने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा लालू हो या शिबू सोरेन का परिवार सब लुटेरे। ओडिशा के बहरामपुर में बीजेडी सरकार पर बरसे पीएम मोदी। का 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का होगा शपथ ग्रहण। जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार। बीएसपी से मिला था टिकट। अब श्याम सिंह यादव हो सकते हैं नए उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने अब श्रावस्ती में बदला कैंडिडेट। नामांकन के बाद राम शिरोमणि वर्मा का टिकट काटा। धीरेंद्र प्रताप सिंह पर जताया भरोसा। अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 93 सीटों पर होगा मतदान। ईवीएम के साथ मतदान कर दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने किया नामांकन। पर्चा भरने के बाद दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से है टक्कर। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। 6ठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को होगी वोटिंग। बिहार के काराकाट सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री। प्रियंका चौधरी को बनाया उम्मीदवार। पहले से उपेंद्र कुशवाहा और अभिनेता पवन सिंह है मैदान। चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बोली रामलला के दर्शन के चलते मेरा पार्टी में विरोध होना पीड़ादायक। प्रियंका गांधी आज से 18 मई तक रायबरेली और अमेठी में करेंगी कैंप। दोनों हॉट सीट पर झोंकेंगी ताकत। यूपी कांग्रेस के 20 बड़े नेता करेंगे प्रियंका की मदद। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। दबंगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर आज करनाल सीट से करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भरेंगे पर्चा। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा 10 मई या 11 मई को दाखिल करेंगे नामांकन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया समझने के लिए फिलीपींस और श्रीलंका का 11 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा भोपाल। आज और कल पूरी प्रक्रिया का करेगा अवलोकन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर नेपाल बॉर्डर पर चौकसी। बिहार से लगती नेपाल की सीमा को सील किया गया। मतदान के दौरान एसएसपी जवान रखेंगे कड़ी नजर। पश्चिम बंगाल के श्रीनगर में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। गंगा नदी की वजह से गांव में हर साल आती है बाढ़। पूरे सम्मान के साथ पुंछ हमले में शहीद विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर लाया गया उनके पैतृक गांव। आज ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। पुंछ के शाह सितार इलाके में भारतीय सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद चौकसी बढ़ी। 4 मई को पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने किया था हमला। मध्य प्रदेश के शहडोल में एएसआई की हत्या के बाद जागा जिला प्रशासन। रेत माफिया के खिलाफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रेत से लदी 20 से ज्यादा गाड़ियां जब्त। दिल्ली के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद के पहाड़पुर कूलिंग टावर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। कई जनपदों से बुलाई गई अग्निशमन की गाड़ियों की मदद से आग बुझाने के प्रयास जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला। जंगलों को आग से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। के कविता की जमानत याचिका पर आज राउल रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अदालत आज सुनाएगा अपना फैसला। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। आजम खां और उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में चल रही है सुनवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 3
शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 22 अप्रैल को अलीपुर में 2 लोगों को गोली मारी। राजस्थान के भरतपुर में नीट की परीक्षा के दौरान गड़बड़ी, दूसरे की जगह परीक्षा देता पकड़ा गया एक लड़का, 10 लाख रुपए लेकर दूसरे छात्र की जगह दे रहा था परीक्षा। भरतपुर में पकड़े गए मुन्ना भाई से पुलिस की पूछताछ, लड़के से पूछताछ के आधार पर 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी। परीक्षा केंद्र के बाहर एक कार में बैठे हुए थे 5 लोग। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का खुलासा, नकली मसाले बनाने और वे सप्लाई करने का खुलासा। करावल नगर इलाके में 2 फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे थे मसाले।